ধর্ম প্রেমী সজ্জন আর্য বন্ধু, মেরা ইস সময় আপ লোকে বীচ আনে কাজ প্রোগ্রাম নেই থা, তথাপি মুঝে আনা পড়া এক কারণবশ। ও কারণ মানে আপ লোক বতা দূ, ও কারণ এক বচ্চা যো কবি ঈসাই বননে যা রা থা, কবি মুসলমান বননে যা রা থা, জব মেরে সম্পর্ক মে আয়া ওর 3 সাল সে লগভগ ও মেরে ভিডিও কো সুন রা হ্যা। ইউপি কা রহনে বালা হ্যা লেকিন বম্বাই মে রহতা হ্যা, ওর মেরে ভিডিও কো কেবল সুনা হি নাহি অপিতু জেসা কে মে কুরআন সুনাতা হু ও ভি ঠিক বৈসা হি সুনাতা হ্যা। শায়দ আপ লোগো কো বিশ্বাস না হো, ইসলিয়ে মে আপ কো লোগো কো সুনানে কে লিয়ে লিয়ে বৈঠা হু। ये वो किस तरीके से कुरान सुना रहा है देखिए, और किस प्रकार से वह इस्लाम जगत को, ईसाई जगत के पादरियों को निरंतर किया है, कर रहा है, वो भी मैं सुनाऊंगा। और मेरी जो वार्ता हुई है वो मैं अंतिम में सुनाऊंगा, उसने मेरे लिए क्या क्या बोला और किस तरीके से मुझे देख करके सीखा, मुझे सुन करके सीखा। लेकिन बम्बई के एक जाने माने डॉक्टर साहिबा, लेडी डॉक्टर हैं, उनसे जो उनकी वार्ता हुई है उसका सारा साउंड उन्होंने मेरे को भेज दिया, लगभग 5-6 है सब भेज दिया है। पहले आप उनके साउंड को सुनिए आप लोग, फिर उसके बाद अल्लाह जो कहता है वही हो। हेलो। हाँ हेलो देवी जी, नमस्ते। हाँ ना, आप कौन जी? मैं अभी आपसे ही बात कर रहा था ना व्हाट्सएप पे। आशीष? हाँ जी। आज तो मिला आंसर इंशाल्लाह का। इंशाल्लाह का मतलब होता है कि खुदा ने चाहा तो, ठीक है ना दीदी? हाँ हाँ, माशाल्लाह हुकान वल्लम ये शहुल्लम ये, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता, ठीक है? हाँ, शायद से मुझसे ज्यादा रिसर्च किया। नहीं तो सुनिए तो देवी जी, मेरी बात सुनिए। मैं अपने पार्ट में क्या था वो दूसरा विषय है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने तो चाहा था कि वो जो इबलीस है वो सजदा करे आदम का, लेकिन नहीं किया उसने। प्लस अल्लाह ने ये भी चाहा था कि आदम वो फल ना खावे, आदम और हव्वा, फिर भी खाए, तो अल्लाह के चाहने से क्या होता है? तो यहाँ पे चाहने से तो कोई मतलब नहीं बैठ रहा। अगर मैं मुस्लिम से हिंदू बन गया, ठीक है, तो अल्लाह ने नहीं चाहा। अगर कोई मुसलमान हिंदू से मुसलमान बन गया तो अल्लाह ने चाहा, ये क्या बात हुई? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो देवी जी, आप मतलब इसके बारे में कुछ आप बताएंगी? अभी देखो, ये जो भी आप बोल रहे हो, हाँ बहन, कि दुनिया का बता रहे, दुनिया का, हाँ, कि उसने चाहा तो हो जाएगा और उसने नहीं चाहा तो नहीं होगा। हाँ हाँ, तो अगर तो ये जो भी है, अगर उसने नहीं चाहा, हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ, अगर उसने नहीं चाहा मतलब ये दुनिया है जो, ये दुनिया का पूरी टेस्ट टेस्ट है, एग्जामिनेशन हॉल है। मतलब मैं समझा नहीं, एग्जामिनेशन हॉल मतलब, अच्छा, परीक्षा देने के लिए लोग यहाँ पे आए, ठीक है? ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, दुनिया में अपना जो भी इंसान चाहेगा वो नहीं हो सकता है। अच्छा, जो भी, अच्छा, मैं, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हो सकता है कि जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी हो, हाँ, लेकिन सामने वाले इंसान के लिए वो नहीं अच्छी होगी।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पे अल्लाह की मर्जी कहाँ चल रही है ये तो बताइए मुझे आप। उन्होंने तो चाहा कि वो सजदा करे, इब्लीस जो आगे चल के शैतान बन गया, लेकिन शैतान उसने सजदा नहीं किया और बल्कि उल्टा उसी को उन्हीं को चैलेंज करने लगा। अब उन्होंने चाहा था, हाँ तो ये जो भी बनाए थे अल्लाह ताला ने, जो भी बनाए थे, हर जो भी मखलूक जितनी थी, मखलूकात बनाए थे, इंसान जिन्नात फरिश्ते, उसके अंदर जो चीज से बनाए थे, मिट्टी से बनाए थे, तो उसमें वैसी कैफियत थी। अरे कैफियत थी देवी जी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने समझ रही हूँ आपका क्वेश्चन, समझ रही हूँ आपका क्वेश्चन, मैं समझ रही हूँ। हाँ, कि जैसा जो भी बनाए थे उन्होंने आग से बनाए थे, तो उसके अंदर आग आग जैसा था। हाँ, उसको हाँ, फरिश्तों को बनाए थे, तो वो फरिश्ते नूर से हैं, तो उनके अंदर तो, नहीं, 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 देवी जी, देवी जी बात सुनिए, तो क्या पहले इब्लीस फरिश्ता नहीं था? इब्लीस क्यों फरिश्ता रहेगा, इब्लीस थोड़ी फरिश्ता था। ना ना ना, आपने फिर मुझे लगता है कि आपने कुरान नहीं सही से पढ़ी है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि पहले इब्लीस भी फरिश्तों में ही आता था। फरिश्ता नहीं था वो, नूर से, वो आग से बनाया। हाँ, वो इबादत करता था। अच्छा, वो इबादत करता था, वो अल्लाह की इबादत करता था, लेकिन वो फरिश्ता नहीं। फरिश्ता फरिश्ता मतलब वो नूर से ही बनेंगे। अच्छा, तो उन्होंने अल्लाह ने तो अपना हुक्म बता दिया कि भैया तू सजदा कर, लेकिन सजदा क्यों नहीं किया उसने? यहाँ पे अल्लाह के चाहने से तो नहीं हुआ ना, तो इंशा अल्लाह कहना कैसे सही है? अल्लाह जो चाहता है कैसे सही हो सकता है देवी जी? हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हो। हाँ, तो कृपया उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देंगी तो। हेलो, हाँ सुन रही हूँ। हाँ, तो देवी जी कृपया उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। हाँ बता रही हूँ। हाँ बताइए, अगर आपके पास कुरान हो उसका कोई रेफरेंस दे सके आप तो उससे भी बोलिए। अब मैं आपको एक, अभी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं इससे मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। कि वो इन्हीं बातों में जो भी हमारे और आपके दरमियान में हुई, उन्हीं से ये बात नुमाया हो जाती है कि उनको भविष्य का भी ज्ञान नहीं था, त्रिकालदर्शी नहीं थे वो। कौन सी बात से? अब एक सूरह अनफाल आता है, उसमें आयत नंबर 67 में या 68 में लिखा है कि या अय्युहल नबी युहर्रिदिल मोमिनीना अलल किताल इन यकुम मिनकुम अय्शुरूना साबिरूना याग़लू मियदान वानी यकुम मिनकुम उल्फान मिन्ना अल्लदीना काफिरू कुआमन ला यफ़हमूना। सूरह अनफाल की आयत नंबर, आयत नंबर 67 या कुछ है, करेक्ट मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। इसका इसका लब्बुल हुआ भी है, इसका लब्बुल हुआ भी है कि अल्लाह कहते हैं कि ए नबी, तुम मोमिनों को जिहाद के लिए उभार। अगर एक मेरी तरफ से लड़ने वाला एक मुसलमान होगा तो वहां 10 पे भारी पड़ेगा। ठीक है, पहली आयत ने तो ये कहा, फिर उसके जस्ट अगली आयत ने कहा कि अभी अभी मुझे तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चला है, इसलिए हमने तुम्हारे भार को कम कर दिया है। देवी जी, हाँ हाँ सुन रहे हो। तो अगली आयत में कहा कि अभी अभी मुझे तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चला है और मैंने तुम्हारे भार को कम कर दिया है, अब तुम एक रहोगे तो दो पर भारी पड़ोगे। तो ये कहां से उचित हुआ? मतलब कि वो पहले पहली आयत में, पहले वचन में गलत थे, उनको अज्ञानी थे, उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि दूसरी आयत में मुझे अपना आदेश बदलना पड़ेगा। अगर उनको पता होता तो पहली आयत में ही वो बात वाजे कर देते। सूर्य अनफाल की आयत नंबर, आयत नंबर 67 में, आई थिंक मैं आपको करेक्ट वो व्हाट्सएप पे करेक्ट कर दूंगा, लेकिन ये तो है जो मैंने बताया ना आपको, लब्बुल हुआ वही है। 67 देखिए ना, वहां पे जहां पे कहा गया है कि आपके पास, आप कुरान देख रही हैं क्या? हाँ हाँ, तो देख लीजिए, 67 या 8 ऐसा है जहां पे उन्होंने मुसलमानों को आदेश दिया है।
ठीक है, और डाउट? नहीं आप पहले वो तो देखिए, अगर आपके पास कुरान है तो आप देखिए। और हेलो, अच्छा चलिए लगे हाँ, तो आप ये भी बता दीजिए काफी कौन है देवी जी, ये कोई सवाल क्यों काफी, इसी पे तो सारा दारो मदार टिका हुआ है, इसी पे यही तो सारे फसाद की जड़ है, यही तो सारे फसाद की जड़ है इसी। जिसने शिर्क किया, शिर्क मतलब के मूर्ति पूजा? नहीं, तो जिसने वहदानियत का इनकार किया। वहदानियत से आपका क्या मुराद है? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मींस, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली। एक मिनट, जिसने ये इनकार किया कि इस पूरी कायनात को एक के अलावा, जिसने किसी और के आगे आगे हाथ फैलाया। हाँ तो देखिए देखिए देखिए, बाकी मुसलमान के अलावा और कई लोग तो दूसरों के हाथे मतलब दूसरे ईश्वर को मानते हैं ना आपके हिसाब से। हाँ, तो आप उनको क्या कहेंगे? कई लोग तो यीशु को मानते हैं, तो वो मतलब काफिर हैं? ईसाई काफिर हैं? आप ऑन रिकॉर्डिंग बोल दीजिए इसको, काफिर हैं? हाँ, ईसाई काफिर हो गए। तो मतलब कुरान के सूरह तौबा में जो लिखा है कि फैता है इन सलाह अल शुहरु अल हुरमु फक्तलु मुशरिकीन हयतवाजतुहुम वखतुहुम वखशुहुम, कि रमजान के पवित्र महीने बीत जाने के बाद काफिरों को जहां पाओ वहां पकड़ के कत्ल कर दो, तो कत्ल किया जाएगा उनको। ये अलग आयत है, वो उस टाइम का है, वो इसके पहले बोलो। अच्छा, एक तरफ तो आप लोग कहते हो कि कुरान की आयतें सर्वकालिक हैं, और जब ये बात सर्वकालिक मतलब सर्वकालिक मतलब कि हर एक समय में मानने योग्य है, ठीक है? हाँ। तो आप अभी आप कह रही हो कि वो काल में माना जाता था, ये काल में नहीं माना जाता, वो टाइम के लिए था, ये टाइम के लिए नहीं था, तो ये कैसे बात हुई? वो टाइम पे जब भी उनको ये करने से पहले ना उनको छूट भी दे गई थी। क्या छूट दी गई थी? अगर आप नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा। एक हवाला बता सकती हैं छूट का? नीचे डिस्क्रिप्शन शायद मैं पहले पढ़ लूं। आप कुरान लेके बैठी है ना, मैं तो कुछ भी नहीं लेके बैठा हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप ये कह रही हैं तो आप एक हवाला दे सकती हैं मुझे? नहीं अभी आप देखिए, मैं तो कुछ भी लेके नहीं बैठा हूँ देवी जी, हेलो। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ और डॉक्टर? नहीं तो मैं सबके बस सवाल करते रहूंगा रह जाऊंगा तो कुछ मतलब नहीं है ना, आप कुछ बोल नहीं रही हैं उसका कुछ। मैंने बोली ना आपने कहा एक भी बोला आपने, मैं तो सुबह से इंशाअल्लाह कहां से कैसे सही हो गया बताइए आप। सही होएगा वो कैसे सही होगा देवी जी? हो जाएगा सही, बता दीजिए आप। जो चीज सही है तो सही होगा। कैसे सही? जो गलत है वो गलत है, सच्चाई तो पाए नहीं छुपती ना। तो आप ये बताओ ना कि पूरे यूनिवर्स को कितने लोगों ने बनाया? किसने कितने लोगों ने बनाया? हाँ किसने? अरे ईश्वर ने बनाया है देवी जी। ईश्वर ने बनाया, कितने ईश्वर है? ईश्वर एक है आपके, देखिए इस हिसाब से इस कॉन्सेप्ट का अगर आप देखेंगे, बात तो सुनेंगे, बात सुनेंगे, बात सुनेंगे, बात बात तो सुनिए देवी, इसी बात पे बात सुनिए। तो आप जो कह रही हो तो आपके यहाँ पे कहाँ अल्लाह एक है, कई सारे हैं? अच्छा तो लिखा हुआ है अल्लाह एक है आप? अरे देवी जी आपको कुरान तो बिस्मिल्लाह ही गलत है, बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। अब अल्लाह का अगर कलाम है तो हम कौन से अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं? अगर अल्लाह की वाणी है जो कुरान है, तो अल्लाह कह रहे हैं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अब वो किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं? सुनो, ये जो भी है ना, ये सारी आयत ये वही होकर आती थी, वही होकर आती थी। मैं जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, जिब्रील अलैहि सलाम उनको आके बता के जाते थे। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ वो वाणी तो अल्लाह की थी ना। हाँ, जो कि तो वो ऐसे कह रहे चाक किया जाता था उनके उनके दिलों में, चाक किया जाता था मोहम्मद साहब के। हाँ तुम आप ये बताओ ना कि ईश्वर एक है, एक ईश्वर ने पूरा बनाया है। हाँ, अब वो ईश्वर क्या है? क्या उसका फोटो है कुछ? बिल्कुल नहीं, वो निराकार है, वह कण कण में है, वह कण कण में है, कण के अंदर भी है, कण के बाहर भी है। तो बस खत्म ना, फिर क्या? नहीं नहीं, लेकिन देखिए कुरान के हिसाब से तो नहीं हो रहा ना वो बात।
कुरान के हिसाब से भी वही बात अब हो रही देखिए है, तो जैसे बता जैसे देंगे। नहीं बात सुनिए देवी जी, अब आप हाँ उस कहानी पे आ जाइए जहाँ पे इबलीस अच्छा अच्छा के, ठीक है, इबलीस के वो बनने की कहानी निराकार पे है, आइए ना। हेलो, वो निराकार है, हाँ बिल्कुल, उसका कोई आकार नहीं नहीं है, ये कुरान के हिसाब से नहीं, मान वेदों के लो, हिसाब से। वेदों के हिसाब से उसका कोई आकार नहीं हाँ है, हाँ बिल्कुल, वेदों के। हाँ तो फिर हाँ किसकी ये सामने फोटो और ये मूर्ति पूजा और वो ये देखिए सब पौराणिक लोगों ने कर दिया है। अब जैसे देखिए आप में ही कई लोग हैं दरगाह में जाते हैं, वो भी तो नहीं, गलत मैं है। तो तो जैसे गलत आप नहीं लोग हूँ। उनको गलत मानते हैं, वैसे हम लोग भी इनको गलत मानते हैं। पौराणिकों ने ये सब रच लिया है, हम तो नहीं मानते। देखिए पुराण, पुराण और बाइबल ये वैदिक शास्त्रों की हाँ श्रेणी में नहीं आते, इन्हें तो इंसानों ने लिख लिया है जो कि गलत है। क्या 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 पुराण, पुराण और बाइबल ये इंसानों द्वारा लिखा गया मनगढ़ंत बातें हैं, अच्छा ये ईश्वरीय ज्ञान की श्रेणी में नहीं आते। तो जिस हिसाब से आपके यहाँ पे लोग दरगाह में जाते हैं और क्या क्या करते हैं, ताजिया वगैरह करते हैं, आप उनका विरोध करते हैं ना, आप उन्हें नहीं मानते, तो उसी हिसाब से हम लोग भी उन्हें नहीं अच्छा मानते, अच्छा क्योंकि शास्त्र से प्रतिमास। एक मिनट, आप ये मानते हो कि फिर ये पे लिखा हुआ है क्या गॉड की आपकी तरफ से? आवाज, हेलो, आपकी आवाज खरखरा रही है। हाँ हाँ आप ये मानते हो कि ये वेद जो है वो ईश्वर की तरफ से लिखा हुआ है? तो मैंने वचन तो बोला नहीं, ईश्वर की वाणी तो बोली नहीं, मैंने कहा कि ईश्वर का ज्ञान है। वेद का मतलब होता है विद जाने विद विचारे, ये मतलब वेद तो वेद ईश्वर का का ज्ञान ज्ञान, है जो कि ईश्वर का ज्ञान है, तो उतारा ईश्वर, गया था। हाँ, तो ईश्वर का ज्ञान है ना, तो आप भी तो वही बोल रहे हो जो ऋषियों पर मतलब रसूल से उतारा गया था, वही देखिए बात देखिए है। देखिए देवी जी मेरी बात सुनिए, हाँ हम कहते हाँ हैं कि वेद ईश्वर का ज्ञान है, जबकि आप कहते हो कि कुरान ईश्वर की वाणी है। तो मैं कहता हूँ कि बात सुनिए, मेरी बात किसने पूरी बोला सुनिएगा, ईश्वर की क्योंकि वाणी आप है? मेरी मेरी बात पूरी होने दीजिए, वाणी मीन्स आवाज, मेरी ये बात जो है सुनेंगे, उन, मेरी हाँ बात बोलिए। सुनेंगे। आप लोगों में ही हाँ कहा जाता है ना कलाम का, कलाम का मतलब क्या होता है, जो बोला जाता है उसे कलाम कहते हैं। आप अरबी डिक्शनरी में ढूंढ लीजिएगा तो कलाम का मतलब हाँ यही होता है। तो कलाम जिसका, बोलना, देखिए देखिए बोलता कौन है, जिसका मुंह होता है। वाणी किसकी होती है, जिसका मुंह होता है, और मुंह पे हाँ क्या तो आकार क्या, क्यों आना जरूरी है, तो आपका अल्लाह निराकार कैसे हुआ। और जो भी बोला जाता है मतलब वो उसका आदेश है, उसका संदेश है, जरूरी ना नहीं कि हर चीज जो ना बोली ना, जाती है। अच्छा आप फिर से विषय से हटक गए, भटक गए देवी जी, आप कभी बाद में कहेंगे कि विषय से भटक गए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह से बात कीजिए। हाँ हेलो, हाँ देवी जी, इंशाअल्लाह मतलब कैसे हो गया सही, माशाअल्लाह हुकान वल्लाह मिन हौलिकुम, कैसे हो गया। दूसरा पहला विषय ही क्लियर नहीं हो रहा है, और बाकी सारे मैंने पूछे हैं, अब आप देख लीजिएगा। लेकिन कुरान साल का जैसे मैंने पूछा, अब उसके बाद में आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इसका क्लियरिफिकेशन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी आपसे यही पूछा था, तो आपने उसका कुछ कि अल्लाह ने चाहा तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने किया सोचा कि बहन से कॉल करके बात कर लेता हूँ, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त गड़बड़ भी हो जाती है, शब्द इधर उधर हो जाते हैं ऑटो करेक्ट में। हेलो, तो एक छोटा सा नमूना मैं आप लोगों को अभी सुनाया, ऐसे कई वीडियो इन्होंने, कई साउंड इन्होंने मुझे भेजा है, पादरियों से भी और इस्लाम वालों से भी। ये जो बात हो रही थी इनकी, एक लेडी डॉक्टर हैं मुंबई में, और इन लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जिसे ये लोग शैतान कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शैतान फरिश्ता नहीं था, मुशफिक सुल्तान ने भी ऐसे ही कहा था, जिसके जवाब में मैं बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, उस पर लिखा हूं। आइए मैं इसे कुरान से ही दिखा देता हूँ, इसे कुरान से ही दिखा देता हूँ, उस दिन भी दिखाया था आप लोगों को, आज इसे कुरान से ही दिखा रहा हूं। यहां अल्लाह ने जिक्र क्या फरमाया है, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ। और जब तो वक्त इरशाद फरमाया आपने, रब ने फरिश्तों से, कि जरूर मैं बनाऊंगा फरिश्तों से
जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा तो वहां शैतान कहां था? इसी एक बात पर चुनौती है मेरी, खुली चुनौती, आओ मैदान में, कौन आ रहा है? ऐसा वीडियो में चिल्पो करते हैं, यहां चिल्पो सारा निकल जाएगा, चिल्पो चलेगा नहीं, सत तो सत ही है, उस सत को कोई झुठला नहीं सकता। यहां अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, तो फरिश्तों से कहा और सीधा करने के लिए भी फरिश्तों को ही हुक्म दिया। जब उसने सीधा करने से इनकार किया तब अल्लाह ने कहा इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, कि आज से तुम इब्लीस हो, काफिर हो, शैतान हो, लड़ीन हो, मर्दूद हो। ये लोग 99.5% मुसलमान, इस्लाम के दावेदार, कुरान के मानने वाले, जानने वाले, ये जानती नहीं है, ये केवल ढो रहे हैं। आज कई मुसलमान के और भी फोन आए मेरे पास, मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को, ये तो केवल एक नमूना मैं आप लोगों को दिखाया हूं, सुनाया हूं। और इस तरीके से इनकी जो वार्ता मेरी हुई है उनको भी सुनिए, तो उससे भी आप लोगों को पता लगेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ पंडित जी, मैं अपने बारे में अगर आपको थोड़ा बताऊं, पंडित जी मैं पहले मैं स्नातक हूँ, मैंने यूपी से ही अपनी बीए की पढ़ाई कंप्लीट की थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ मुंबई आ गया था और शुरुआत में जॉब करता था, और शुरुआत में मैं मतलब ये अपना ईसाइयत से बड़ा प्रभावित हुआ, ईसाइयत से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन फिर ईसाइयत में भी देखिए कुछ चीजें हैं जो कि हमारे साथ खड़ी नहीं करती, हालांकि उस वक्त मेरा वेदों से जरा सा भी मतलब परिचय नहीं था, वेद जानता था, नाम सुने थे कि हाँ वेद होता है, लेकिन उसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं पता था। मैं मतलब रामायण और गीता को ही अपना धर्म ग्रंथ मानता था। फिर उसके बाद कुछ डाउट थे जो कि क्लियर नहीं होते थे, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर उसके बाद इस्लाम के प्रति मेरा रुझान हुआ। फिर एक आर्य समाजी बंधु थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया ये मतलब किस तरफ जा रहे हो आप, तो मैंने कहा कि भैया ऐसा ऐसा है, और वो अल्लाह का कलाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है और कुरान की जो आयतें हैं बहुत अच्छी हैं, और जैसे कि एक ईश्वर की बात है, अलग अलग नहीं है ये, वो मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो उन्होंने कहा कि भैया पहले एक बार तुम अपना मुख्य धर्म ग्रंथ पढ़ो और एक बार अपना कुरान को भी ठीक से नॉलेज हो, जितने भी हैं सबका कॉम्परेटिव स्टडी करो। और उन्होंने ही मुझे कहा कि मुझे उनका नाम भी नहीं याद आ रहा है, बस पहली बार ही उनसे मुलाकात हुई थी मेरी बस स्टैंड पे, और वहीं पे उन्होंने मुझसे कहा था। तो उसके बाद उन्होंने ही आपका बताया कि महेंद्रपाल आर्य हैं पंडित जी, उनका आप वीडियो देखिए। और पंडित जी मैं जब से आपके वीडियो से जुड़ा, आपके चैनल से जुड़ा, यकीन मानिए बदलाव आते हैं, और आज के समय में आपकी कृपा है कि अब खुद अकेले अपने दम से मैंने कईयों को वापस धर्म के प्रति जागरूक किया है। आपने बहुत ठीक है, वो लड़की से जो आप बात कर रहे थे ना, सूरह अनफाल आया था 65 है, मैं फॉरवर्ड लिख करके दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा पंडित जी, वो वही मुझे उसमें कंफ्यूजन थी, तो इसलिए मैंने उनको बात करते वक्त भी वापस कर दिया था, देखिए मुझे याद रही है। आपने बिल्कुल मैं बोला हूँ ठीक, पढ़ के भी सुनाया आपने। नहीं अंतिम में थोड़े से माने गलत, मतलब थोड़े से उच्चारण गलत हो गया था। नहीं हुआ, अब तो वो लड़खड़ा गई असल में। हाँ कोई बात नहीं, वो उतना ही चल जाएगा, इशारा बहुत काफी है। तो सब आप कृपा है पंडित जी। तो अच्छा उसमें बात, फिर उसमें बहुत सी बातें आपने की हैं, पर वो वहां से भटकना चाह, जो उसमें वही अल्लाह की जब मर्जी है, माशाल्लाह खान अल्लाह सब अल्लाह कुल भी बोला आपने, तो जो अल्लाह जो चाहता है उसकी चाह कहाँ चली गई, वो करा क्यों नहीं? आपने पकड़ा तो ठीक, लेकिन वो थोड़ा बहकाने का प्रयास किया, उसमें अड़ जाना चाहिए था कि क्या अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की चाह कहाँ चली गई, जो आदम को नहीं करा पाए, रोक नहीं पाए, इबलीस को भी नहीं रोक पाए, और इबलीस को वरदान भी देना पड़ा। जी पंडित जी, और वो महिला, हाँ, और वो महिला ना डॉक्टर हैं, ये मुंबई में रहती हैं,
डॉक्टर हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल अपने आप को मतलब हैं वो, और बहुत अच्छे से बात करती हैं, लेकिन वो समझती नहीं किसी भी, मतलब आप कितना भी समझाएंगे ना वो समझने वाली नहीं है, फिर भी मैंने बीड़ा खाना है कि उनको समझा के रहूंगा। हाँ तो वो मैं सुना हूँ ठीक, लेकिन वही उस बात पे अड़ जाना भाई, अल्लाह जो काका माशाल्लाह माशा माशाल्लाह जैसे बोलते हो तो माशाल्लाह जो अल्लाह ने जो चाहा, तो अल्लाह की चाह कहाँ है, क्या अल्लाह ने चाह के भारत के सैनिकों द्वारा पाकिस्तान में सैनिक स्ट्राइक हो जाए? वही बड़ी बात है पंडित जी, मोदी का आपकी आपकी आडियो सुन के ही मैंने उनकी अप्लाई किया था। जी जी ओ, मैं सुना हूँ आपने मेरा, जैसा मैं कुरान बोलता हूँ वैसा ही आपने उसको ही रटा है, याद किया है ये बता रहा हूँ पंडित जी, मैंने आपके ही सीखा है मैंने। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा आपकी हौसला और बुलंद करे और इस सच्चाई को आप और जागृत करें, आप अपने में भी उतारे और उनको भी, क्योंकि विद्या पास रखने से कुंठित हो जाती है। बिल्कुल पंडित, तो यूपी से कहाँ से हैं बाबू आप? मैं उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, भदोही जिला है मेरा। भदोही? हाँ जी पंडित जी। हाँ तो भदोही कहाँ कहने पा? भदोही में फाइनल गांव है छतराई का सारा करके। अच्छा अच्छा, तो ये मछली शहर वाले रोड पे? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आपको तो पता है मेरा तो चप्पा चप्पा हुआ है, हम तो प्रचार कर रहे हैं, इसी इलाहाबाद से जब हम जौनपुर जाते रहे तो उसी रास्ते से जाते फुलपुर होकर के। नहीं नहीं पंडित जी, मैं मतलब मेरा सपना सच हो गया आपसे बात करके। परमात्मा करे आपकी आयु लंबी हो, आपको इस तरीके से डट करके सत को उजागर करे आप, मेरा हम मेरा साथ है और जिस तरीके से तैयार आपने अपनी तैयारी की है और भी तैयारी करें और ऐसा बोले कि दुनिया उसमें कोई गलती पकड़ने ना पाए, बिल्कुल एकदम शुद्ध होना चाहिए। प्रयास वही है पंडित जी, प्रयास वही है, और मैं बाकायदा बाइबल और कुरान और ये अपना वेद का कॉम्पिटेटिव स्टडी भी कर रहा हूँ। जी जी, तो स्वाध्याय कर रहा हूँ। बम्बई में कहाँ किस कहाँ सर्विस में है कहीं? नहीं सर्विस में था, अभी भाई साहब पहले पान की दुकान पे बैठते थे, अभी भाई साहब पान की दुकान छोड़ दिए हैं, मतलब कुछ पारिवारिक मतभेद हो गए थे तो भाई साहब छोड़े, तो दो तीन महीने से मैं ही बैठ रहा हूँ दुकान में, काम छोड़ दिया अपना, खुद का दुकान है। किस इलाके में रहते हैं? मैं नाला सुपारा में रहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं आपका ये नंबर बम्बई के एक मित्र को देता हूँ और आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, वहाँ पर और कई बच्चे इस तरीके से तैयार हुए हैं मुझे सुन सुन करके। ठीक है पंडित जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, और क्या बताऊँ मैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। नहीं कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करते रहिए, सब आपका आशीर्वाद है पंडित जी, सब आपका आशीर्वाद है। 70-80 वीडियो लग गया वहाँ पर। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जब भी कभी कोई अड़चन आ जाए तो जरूर याद कर लेना, कहीं भी हो कहाँ भी। बिल्कुल पंडित जी, मैं सुन सकता कर लूँगा उसको ठीक कर लिया, पूरा आंसर आया था 65। बिल्कुल पंडित जी, अरे आपकी ही वीडियो के आधार पे मैंने सबसे बात किया है, अधिकतर आधे से ज्यादा आपकी वीडियो को ही ध्यान में रख के बात किया है लोगों से। बहुत और आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे पंडित जी, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ उनको जानने वाला ही कोई बात कर रहा है। हाँ वो साउंड में सुना तो मेरी श्रीमती भी कह रहे थे यू आपकी रट रहा है, वातिउल्ला वातिउल्ला सुन करके बोले। वही कह रहा हूँ ना पंडित जी, जो भी आप बोलते हैं मतलब समझ लीजिए कि मैं पूरी तरह से उसे अपने दिल में बता लिया हूँ, और उसके बाद मैंने कुरान भी पढ़ा, कई सारे पढ़े हैं, सब किताबें भी पढ़ी, तो उससे थोड़ा सा और इल्म मेरा मुकम्मल हो गया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, परमात्मा आपकी आयु लंबी करे और खूब हौसला बुलंद रखिए। धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद मुझे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, कामयाबी मिले।
बिल्कुल पंडित जी, नमस्ते पंडित जी। बंधुओं सुना आप लोगों ने, मेरा काम वह है, इस प्रकार का काम मेरा किया हुआ है संपूर्ण विश्व के आनंद में, केवल भारत में नहीं। मैं बोला ना कतर में भी ऐसा है, ठीक इसी तरीके से कुरान सुनाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे हैं नौसिखिए लोग हैं, वो हिंदी में जो कुरान का उच्चारण लिखा उसको पढ़ के सुनो, सब अशुद्ध सुनाता है, लेकिन इसकी उच्चारण देखिए। ऐसे हमारे हिमांशु जी की भी तैयारी है, हमारे दिल्ली में बैठे हैं, तो एक दो नहीं ऐसे अनेक, केवल हिमांशु जी नहीं, वो हेमंत का रिकॉर्डिंग सुनाया था आप लोगों को दो दिन पहले, उसका भी ऐसा ही है। ये सब मुझे सुन सुन करके, पर आर्य लोगों जो आप उत्सव मना रहे हो ना, कितना लाख रुपया खर्चा किया तुम, तो 2006 का हिसाब अब तक नहीं दे पाए भाई। उसके बाद भी बीच में एक सम्मेलन किया, उसका भी हिसाब दिया कि नहीं दिया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 2006 का हिसाब के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा कि हिसाब मेरे पास नहीं आया। खैर, तो इतना पैसा जो खर्चा किया है, इकट्ठा भी किया है, कुछ भी किया, लेकिन एक शिष्य तैयार करके दिखाओ फिर मैं जानू। सबके दांत खुल करके हाथ में आ जाएंगे जो चिल्पो कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जो काम करना था, जो काम करना है, उसको तो करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे पास कई लोगों के फोन आए कि पंडित जी वेद भगवान क्या होता है। मैंने कहा क्यों, तो बोले वो तो पुस्तक बांट रहे, राष्ट्रपति को भी दिया, मोदी योगी जी को भी दिया, और वेद भगवान। तो मैंने कहा जब वेद वाक अपने आप में पूर्ण है तो उसमें भगवान लगाने का क्या मतलब था। जब वेद अपने आप में पूर्ण वाक्य है, पूर्ण शब्द है, और ये वेद भगवान इसलिए बांट रहे ना, ये जो प्रकाश भजनोपदेशक है जो मंच का संचालन कर रहे थे, ये भगवत वेद कथा हापुड़ के आ रही है समझ में। इनका 8 दिन का कार्यक्रम था, पूरे टीम के साथ ये पहुंचे गाड़ी में, मेरा भी 2 दिन का कार्यक्रम था, और मैं इसका विरोध किया कि भाई वेद कंप्लीट शब्द है, उसमें भगवत लगाने का क्या काम रह गया है, और भगवान लगाने का क्या काम रह गया है। तो इस तरीके से हो रहा है। वो तो क्या हुआ, कितने लोग मेरे से फोन करके बता रहे हैं, पिछले रविवार से लेकर के आज तक मैं क्या क्या बताऊं, कितने लोगों ने बोला क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरीके से। खैर, जो कर रहे हैं करने दीजिए, पर मैं जो मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूं। मैं इस तरीके से फौज तैयार कर रहा हूं कि जो सच्चाई को उजागर करे, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को समझ करके जन जन तक पहुंचाए, कुरान के जानने और मानने वाले लोग इस तरीके से निरुत्तर है। कुरान तो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, कलामुल्ला होना संभव ही नहीं है, मेरी तो खुली चुनौती है। और वो तो सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके जाहिद रशीदी को मैं बोला कि वेद को कोई कलाम, कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करके दिखाए, ये तो मेरी खुली चुनौती बहुत पहले से ही है। कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करना उतना ही कठिन है जो मैं 2004 में जाकिर नाइक को लिखा था कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। तो ये सारा प्रमाण मेरा किया हुआ है, काम किया हुआ है, कार्य किया हुआ है, प्रमाण के साथ काम किया हूं, गैर प्रमाण के साथ नहीं, बिना प्रमाण के साथ नहीं, सारा प्रमाण के साथ उजागर किया हूं। और आज तो सुबह भी फेसबुक में एक लेख पोस्ट किया, केवल एक ही आयत लिख करके दिया सूरह बकर का, कि अल्लाह का उपदेश केवल और केवल व्यक्ति विशेष के लिए है, वर्ग विशेष के लिए है, संप्रदाय विशेष के लिए है, कौम विशेष के लिए है, मुल्क वालों के लिए है। अल्लाह का उपदेश मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, बनी नौ इंसान के लिए नहीं है। अल्लाह ने एक को संबोधित किया है। बनी इसराइल के किस्सा को पढ़िए कि किस तरीके से बनी इसराइल को किस तरीके से अल्लाह ने क्या क्या सजा दिया, कैसे कैसे क्या हुआ। मूसा को मोजजा दिखाने के लिए अल्लाह ने, मोजजा माने होता है चमत्कार, और मूसा ने अपने लाठी को पत्थर में मारा और पत्थर से चश्मा जारी हो गया, 12 चश्मा जारी हुए। अब ये किस्सा नहीं तो क्या है, ये जैसे सरिता में होता है नहीं, और कुरान खुद गवाह है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहयना इलैका हाज़ल कुरान। कुरान खुद कह रहा है इस बात को कि ये मनोरम किस्सा बयान कर रहा हूं जिस किस्से से तुम गाफिल थे, जिस किस्से से तुम ना को जानते नहीं थे, जिस किस्से से तुम गाफिल थे उस किस्से को मैं सुना रहा हूं। तो कुरान तो खुद कह रहा है कि किस्सा और कहानी की किताब है, और मैं एक तो नहीं, मैं जहां बोलिएगा वहीं से किस्सा कहानी दो। साजिद रशीदी क्या बोल रहा है
জালিকাল কিতাব আল আরাই বাফি আল্লাহ নে বলা তো ইয়ে জালিকাল কিতাব আল আরাই বাফি আল্লাহ আরে উসমে শাক কি গুঞ্জায়েশ আগে হে তো শাক কিউ না কিয়া যায় আর বকবাস কর রহা থা ও সচ্চাই সে কোসো দূর হ্যাঁ মানে সূরা নূর সুনায়া ও সূরা ফাতিহা সুনা রহা হ্যায় ও কে রে কে আপ গলত পড় রহে হো আজ তক ধরতি পর কোই মাই কা লাল মাই খুলি চুনৌতি দে রহা হুঁ কৌন ধরতি পর পেদা হুয়া হ্যায় আও মেরি কুরআন কো জো মাই পড়তা হুঁ উসকো কোই গলত সিদ্ধ করকে দিখা দে হ্যাঁ গলত পড়া হ্যায় মাই কলকাতা শহর কা জানা মানা হিফজ খানা কা হাফিজ হুঁ আরি আব্দুল কবি সাহেব কা শাগিরদ হো মদরসা আসমতিয়া কা শিষ্য হো সুন লো কান খোল কর কুরআন পড়না তুমনে সিখা কহাঁ হ্যায় আও মাই সিখাতা হুঁ আও মাই সিখাউঙ্গা অভি এক মিয়া জি হাওড়া মে রহতে হ্যায় বরেলভি আকায়দ কে হ্যায় ও সত্তর প্রকাশ লিয়ে আয়ে ছত্র মিত্র লেন সে 38 নম্বর ছত্র মিত্র লেন মে আর্য সমাজ হ্যায় ওহাঁ সে সত্তর প্রকাশ খরিদ করকে লিয়ে আয়ে জিস দিন সে খরিদ করকে লায়ে উস দিন সে মেরে সে বাত নাই কর রহে আর মাই উনকো বোলা থা আপকে পাস কঞ্জুল ঈমান হ্যায় তো বোলে হ্যাঁ হ্যায় মানে কাহা উঠাইয়ে জরা উসকো বোলে মাই অভি থোড়া ব্যস্ত হুঁ আর অভি তক ও ব্যস্ত হি চল রহা হ্যায় চাহে কঞ্জুল ঈমান হো আর জিতনে ভি মুফাসসির কুরআন হ্যায় চাহে দেওবন্দি আকায়দ কে হোঁ আর বরেলভি আকায়দ কে হোঁ শানে নুজুল দেখিয়ে শানে নুজুল কে সাথ আপ দেখেঙ্গে ও আয়াত কিউ নাজিল হুই ও উসসে সুনা ও উসসে সুনা ও উসসে সুনা ইস তরিকে সে সুন করকে আয়াত আল্লাহ নে ইসলিয়ে নাজিল কিয়া ইসকে শানে নুজুল বোলতে হ্যায় কারণ কারণ কে বগায়র কুরআন নাজিল নেই হুয়া अब इससे पहले जैसे उस महिला ने डॉक्टर ने बोली ना कि उस काल के लिए था उस असलम कासमी ने भी बोला था मेरे को कि उस काल के लिए था आपके लिए नहीं आपके लिए नहीं तो फिर ढो क्यों रहा भाई आपके लिए नहीं है तो हटा दे आपके लिए नहीं है तो रखने का क्या मतलब पढ़ने का क्या मतलब जानकारी लेने का क्या मतलब हिफ्ज करने का क्या मतलब है तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों का समय लिया और मैं सब प्रमाण ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि आज हमारे बच्चे मुझसे किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं मुझे सुन सुन करके और मुझसे जानकारी ले करके किस तरीके से तैयारी अपनी कर रहे हैं और कैसा इस्लाम जगत के लोगों को निरुत्तर कर रहे हैं। इसके और भी साउंड है पादरियों से भी इस तरीके से किया है पादरियों को भी नंगा करके रखा वो मेरे ही भाषा को ही दोहराया कि परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा था उसको देखा किसने पकड़ा वही मजबूत करके वही खैर वो तो एक एक दिन एक एक मैं सुनाता रहूंगा मेरे पास ऐसे ही खजाना है लेकिन मेरी चुनौती है कोई आर्य समाज ऐसा कोई किसी को तैयार किया हो एक को लाओ सामने खड़ा करो मैं बकवास सुनना नहीं चाहता ना मैं बकवास करता हूं मेरा काम सारा प्रमाण के साथ है दलील के साथ है तो खैर ये हमारे एक मित्र मिस्टर निजामुद्दीन साहब ने क्या लिखा है पहले तो जय श्री राम लिखा था अब क्या लिखा है कि तू क्या लिखा भाई अल्लाह कहता है कि तू 111 को शादी कर एक मुसलमान का एक जाए नियम है ये भी कर एबीसी खाता में तेरा आना देखिए ये भाई हमारे मिस्टर निजामुद्दीन साहब ने लिखा है काफिर तो मुसलमानों को सुअर मानता है खैर कोई कुछ माने लेकिन उसमें हमें आपत्ति नहीं है आप लोगों ने इतने जल्दी में मेरे साथ जुड़े हैं मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने जल्दी में आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं अपना समय निकाला है अब मैं पहले से सूचना दिया नहीं था उसके फोन आने के बाद ही मैं सोचा कि ये आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए ये मैं आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया और मेरे उस बच्चे का ग्रेजुएट है अनपढ़ मत समझिएगा ग्रेजुएट है अब धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलता है रहता बंबई में तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा उसको और शक्ति दे इस तरीके का काम और सब मिल करके करें मैं तो पहले ही बोला था आओ कौन सीखना चाहते हो आओ जाओ मेरे सामने सीखो सीखो जानकारी लो जानकारी देने के लिए मैं तैयार हूं
जानकारी लेकर के काम करो, अनजान में काम मत करो। कुछ लोग तो मेरा नाम भी लेते हैं, अरे मेरा नाम लेते हैं लेकिन जो मेरी दुहाई दे रहा है, मेरे से कांटेक्ट किया आज तक, मुझसे जानकारी लेना चाहा, जानकारी लिए भी ना कोई, तो यहाँ तक कहा कि हमारे गुरुकुल में कुरान और बाइबिल की पढ़ाई होती थी। कौन सा ऐसा गुरुकुल है भारतवर्ष के अंदर में जहाँ कुरान और बाइबिल की पढ़ाई होती है, एक तो प्रमाण दो। कुछ दिन धर्मवीर जी ने रखा था वहां पर अजमेर में, लेकिन वो मौलाना को पाल नहीं पाए। तो इस तरीके से बिल्कुल बेकार की बातें करते हैं, झूठी बात है, खुद फैलाते हैं और दूसरे पर दोष धरते हैं, ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं। दुनिया में, भारत में कोई ऐसा गुरुकुल नहीं है जहां पर कुरान और बाइबल की पाठ पढ़ाई जाती हो, कराई जाती हो। और फिर वो पढ़ा तो उसके गुरुकुल में, रामदेव के गुरुकुल में, और रामदेव मंच पे बैठा है और एक मियाँ जी कह रहा है कि कुरान पांचवा वेद है और ये आंख बंद करके देख रहा है इसे, उसके तरफ बोल नहीं पाया कि भाई कुरान को तुम वेद कैसे कह रहे हो, इसी गुरुकुल में पढ़ा हो, और वो कह रहा है कि कुरान और बाइबल की पढ़ाई होती थी। झूठे हैं, मक्कार हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। भारत में कोई ऐसा गुरुकुल नहीं है, भारत में कोई ऐसा गुरुकुल नहीं है जहां पर महेंद्रपाल के कदम न पड़े हो, गलत जानकारी दे रहे हैं लोग। खैर, ऐसे ही जानकारी एक समाज के जो राष्ट्रीय संयोजक है वो जानकारी दे रहा है कि मोहम्मद की अंतिम पत्नी आयशा, जबकि पत्नी तीसरे नंबर की थी, मैंने फौरन वहीं टोक दिया। तो बोले कमरे में जाकर के बोलना चाहता है, अरे भरी सभा में मैं बोल रहा हूँ वेद पांच है, तो हमारे कमरे में जाकर के हमारे कान में बोलोगे कि वेद पांच नहीं होता, वेद चार होता है, या उसी जगह बोलोगे वेद चार होता है, गलत बोल करके भी सीना जोड़ी। अरे हमने जानकारी दी, हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, हमें धन्यवाद देना चाहिए था, हमने सिखाया तुम्हें, बता दिया है, सुना दिया है। मूर्ख लोग सब इकट्ठा हुए, ये धन्यवाद भी देना नहीं चाहते। और ये ज्यादातर ये बीमारी भजन उपदेशकों में ज्यादा है, गलत बोल गया उसको बोलिया आप कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो बोले हमारा काट किया। अरे काट किया या खाट किया, खाट जानकारी दिया तुमने दुनिया वालों को, वैदिक सिद्धांत को जानते नहीं। मैं बोला ना कि ये ABCD भी नहीं जानते वैदिक सिद्धांत का, ये सब ऐसे ही बने फिर रहे। खैर, तो मैं आप लोगों का समय और ना लेता हुआ वाणी को ही पर मेरा पंकज जी नमस्ते, नमस्ते सैनी जी नमस्ते, बाबू धर्मवीर जी को मैं नहीं देख रहा हूं, कहां चले गए? ये MS अधिकारी जी, भाई जय श्री राम हमारा अभिवादन नहीं है, जय श्री राम किस अर्थों में आप लोग बोलते हैं ये मैं नहीं समझ पाया। मैं कह रहा हूं कि जय श्री राम, तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसमें कोई शक नहीं है, राम तो हमारे पूर्वज थे, राम हमारे राष्ट्र पुरुष थे, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम हमारे आर्यों के अधिनायक थे, राम हमारे पूर्वज थे, लेकिन जय श्री राम किस अर्थ में बोल रहे हैं आप? जय श्री राम के माने नमस्ते होता है क्या, अभिवादन होता है? अब आजकल देख रहा हूं कुछ तो जय श्री राम के साथ साथ जय श्री कृष्ण भी बोल रहा है, अब आपने को आर्य भी बतलाता है, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बकवास कहेंगे, ये जानते नहीं है लेकिन टांग जरूर अड़ाएंगे। आदरणीय आचार्य जी प्रणाम, शत नमन, ये राजेश शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को, प्रणाम प्रणाम भी नहीं है, नमस्ते केवल हमारा अभिवादन, नमस्ते ही है बाबू, नमस्ते है, नमस्ते की सेवा। पंडित जी मैं हो जाए असम से, देखिए अरे क्या बात है भाई, ये निजामुद्दीन साहब जो है वो आसाम के हैं, सनातन धर्म में आना चाहता हूँ, मेरी पत्नी को 1.5 साल दिन से कह रहा हूँ, मानती ही नहीं है, उसको क्या कहे कि मनाया जाए, सुअर का मुसलमान अच्छा कौन है, अच्छा धर्म नहीं है। पंडित जी जय श्री राम, इन्होंने भी जय श्री राम लिखा। खैर, तो भाई निजामुद्दीन साहब आप अपनी श्रीमती से किसी दिन मेरे से बात करवा देना, या मेरा वीडियो सुन सुन करके उनको सुना देना, उनको दिखा देना जिस तरीके से आपने अपनी तैयारी की, उनको भी इसी तरीके से सुनाइए, और उनको ये कहिए कि भाई ठीक है तुम जन्नत के ख्वाहिश में कर रही हो, पर जन्नत तो मैं जाऊंगा, हमें हूर और गिलमा मिलेंगे, पर तुम्हें क्या मिलेगा, घंटा? अल्लाह ने महिलाओं के लिए कुछ देने के लिए बोला है क्या? संपूर्ण कुरान में ढूंढ डालिए, महिलाओं को अल्लाह ने कुछ बोला नहीं, अल्लाह के पास महिला स्त्री और पुरुष दोनों बराबर ही नहीं है।
वहां निसाओ कुमार सुन लगो फात हर सकमल ना शे तुम मुकद्दम लिया अनफसकुम बताया है कि महिलाएं पुरुषों के लिए खेत है, उस खेत से जैसा चाहो वैसा फसल उत्पन्न करो। लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुम उन न कहा है। अच्छा फिर दुनियादारी में देखिए, पिता के संपत्ति में बेटी का केवल चार आना हक है और पति के संपत्ति में दो आना हक है, कहा अल्लाह के पास बराबरी है। महिला आप कोई इमाम नहीं बन सकती, नमाज आपने आप ही पढ़ेगा, कहा अल्लाह के पास समानता है, भेदभाव है अल्लाह के पास। तो भाई निजामुद्दीन मियां आप उनसे कहिए कि भैया हम तो जन्नत में नहीं ले जा पाएंगे तुमको, और जन्नत अगर जाओगे भी लेकिन मैं तो रजा मनाऊंगा वहां हूर और गलमानों के साथ, तुम क्या करोगे, कौन मिलेगा तुम्हें। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना, औरों तक पहुंचाना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि दुनिया वाले भी सुने ज्यादा से ज्यादा। और राम मंदिर के लिए जो चिल्पो हो रहा है हर चैनल में, और ये एंकर भी नहीं कह पा रहा है, समित पात्रा भी नहीं कह पा रहा है, और वो जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता कोई नहीं कह पा रहा है कि राम का मंदिर भारत में बनाने के लिए हमें आरा वालों से पूछना पड़ेगा क्या। क्या वो बाबर के बाप के जमीन थी वो जिसने घेरा है, जिस जमीन की बात कर रहे हो, बाबर के बाप ने खरीदा था, या मुसलमानों ने, मुगलों ने तो इस देश पर कब्जा किया था, इस देश के मुसलमान है ही नहीं है, ये मैं बोल रखा हूं सब, परसों वाला वीडियो में सुन लीजिए, ये ज्यादती हो रही है। और वीडियो चैनल में उसको ये नहीं बता पा रहे, एंकर भी नहीं बता पा रहे, वो अमीश देवगन खाली भाजता है, खाली नाचता है, उसको चुप कराने के मत, अरे एक को बोलने के लिए थी, दूसरा बोल रहा है तो उसको चुप कराए, कम से कम एक की बात सुन ले, नहीं उसको चुप नहीं कराएगा, ये सारा बकवासबाजी कर रहे हैं। और अच्छी बातों को, सही और सच्ची बातों को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, ये सब बकवास किया जा रहा है। किसी से पूछा कल, मैं देखा वो बंबई वाला क्या नाम था उसका,